पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय छात्र संघ के एक गुट ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट से एक जुलूस निकाला। जुलूस विश्वविद्यालय से निकलकर हरिओम तिराहा कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां छात्रों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। इस दौरान छात्र राजू यादव, संदीप कुमार, शिवशंकर गौड़ सहित कई छात्र मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र शिवशंकर ने कहा, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 5 दिवसीय छात्र नेताओं के धरना प्रदर्शन को आज आगे बढ़ाते हुए आज विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से डीएम कार्यालय तक जाने का हम लोगों ने मौका देखा है। और हम लोग ये तय करते हैं कि अगस्त क्रांति दिवस का रूप है, अगस्त क्रांतिकारी महीना है। इस क्रांतिकारी महीने में मैं आपके माध्यम से विश्वविद्यालय के तमाम छात्राओं के माध्यम से कुलपति जी से कह देना चाहता हूँ कि अगर छात्र संघ चुनाव 15 अगस्त तक घोषित नहीं हुआ तिथि, तो जान लीजिए भारी विद्रोह होगा।